हे गाइस, दिस इज़ लीज़ा। हमारी बॉडी इनसिक्योरिटीज़ में एक बड़ी वजह होती है ब्रेस्ट साइज़, स्पेशली यंग लड़कियों के लिए। मेरे पूरे टीनेज और 20s में ये मेरे लिए भी एक बड़ी इनसिक्योरिटी थी। आई वॉज सो कॉन्शियस ऑफ हैविंग स्मॉल बूब्स। मैं हमेशा पैडेड ब्रास पहनती थी और सोचती थी कि काश मेरा भी बॉडी वैसा ही होता जैसे मैगजीन्स में मॉडल्स का होता है। बचपन से ही हम लड़कियों को सिखाया जाता है कि बार्बी डॉल फिगर सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बिग बूब्स, नो टमी, बबल बट और थाई गैप, ये अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बहुत छोटी उम्र से ही हमारे दिमाग में डाले जाते हैं। इसी वजह से हम हमारी बॉडी से डिससेटिस्फाइड रहते हैं और हमारा सेल्फ एस्टीम हमेशा लो रहता है। हमें हमेशा लगता है कि वी आर नॉट गुड इनफ द वे वी आर। जिनके ब्रेस्ट छोटे हैं उन्हें थोड़े बड़े ब्रेस्ट चाहिए क्योंकि उन्हें लगता है कि उससे वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेंगे, और जिनके ब्रेस्ट बड़े होते हैं उन्हें थोड़े छोटे चाहिए क्योंकि बड़े ब्रेस्ट की वजह से बैक पेन हो सकता है और काफ़ी अनवांटेड अटेंशन भी मिलता है। इसलिए एक्चुअली चाहे छोटे ब्रेस्ट हो या बड़े, एज वुमेन वी आर कंडीशन टू फील डिससेटिस्फाइड एंड अशेम्ड। लेकिन सच बात तो ये है कि हम सब महिलाओं के सुंदर शरीर सेम होते हुए भी अनोखे हैं और हम सब का अपना अपना प्राकृतिक रूप ही बहुत खूब है। ब्रेस्ट ना सिर्फ ब्यूटीफुल है लेकिन प्लेजर भी दे सकते हैं, चाहे छोटे हो या बड़े, और तो और एक लाइफ को नरिश कर सकते हैं। ये सारी बात बहुत ही मैजिकल है। इसलिए जो भी साइज़ हो, हमें अपने बूब्स को प्यार करना सीखना चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब आप मिरर में देखते हैं तो देखिए कि आप खुद कितनी खूबसूरत है, इस बात पे ध्यान दें। अपनी बॉडी को जैसे है वैसे प्यार करना जितना जल्दी सीखेंगे उतना हमारे सेल्फ एस्टीम और रिलेशनशिप्स के लिए बेहतर होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको कोई और सवाल है या अगले वीडियोस के लिए कोई टॉपिक सजेशंस है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी फॉलो करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।